सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30। एक वर्ग बनाओ जबकि एक भुजा और कर्ण का अंतर AD रेखा के समान दिया है। तो हमने एक वर्ग बनाना है और हमें एक अंतर दे रखा है AD रेखा के समान। सबसे पहले हमने ये रेखा लेनी है आपकी A और D। तो हम यहाँ पे इसमें A और D रेखा ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका अंतर है A और D इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, एक रेखा हमने लेनी है यहाँ पे। यहाँ पे हम एक रेखा ले लेते हैं इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका A, या हम अभी कोई नाम नहीं देते क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि कहाँ तक लाइन जाएगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे जितना आपका ये A और D है इतनी प्रकार आपने खोलनी है इस तरह से। आप देख सकते हैं इतनी प्रकार खोल के आपने A पॉइंट पर रखनी है, तो यहाँ पे निशान लगा देना इस तरह से। क्या किया हमने, A से D जितनी प्रकार खोली जितना आपका अंतर दिया था, और A से आपने यहाँ पे निशान लगा दिया। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं D, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये AD के बराबर हमने दे दिए, यहाँ से हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है D पॉइंट। इस तरह से और अब हमने इसको मिला देना है। इस तरह से आपने AD जितनी प्रकार खोलनी है और D से आपने इस तरह से यहां पर ऐसे निशान लगा देना है। और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं K, ये आपका K पॉइंट है। आपने क्या करना है, A K को मिला करके आगे बढ़ा देना है यहां से इस तरह से। A और K को आप मिला देंगे डॉटेड यहां पर। हम इसको आगे बढ़ा देंगे और हमने क्या करना है, K पर प्रकार रखनी है और ये आपका D है ना, इतनी प्रकार खोल के आपने यहां से चाप लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी डॉटेड लाइन है, और जहां पे ये चाप ऊपर कट रही है ना, यहां पे ये पॉइंट आपका आ गया E। अब जो ये आपके पास रेखा ये A E, ये आपके पास वर्ग की एक भुजा आ गई है, ये एक भुजा आ गई है यहां तक, ये देखिए आप ये। अब आप चाहो तो ये ऊपर वाली लाइन रख सकते हैं, नहीं चाहो तो आप इसको यहाँ से मिटा सकते हैं। ये आपकी ऐसे बन गई है, एक भुजा वर्ग की आ गई है। आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो हमने क्या करना है, ई से ई पॉइंट से प्रकार रखनी है, ए जितनी प्रकार खोलनी है हमने यहाँ से, ये आप देख सकते हैं देखिए। और यहां से आपने जो है एक चाप लगानी है इस तरह से आप देख सकते हैं, हम इस चाप लगा देंगे और ये आप देख सकते हैं चाप हमारी आ गई है। अब हम इस रेखा को मिला आगे बढ़ा देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो रेखा आपकी आएगी ये आपकी हल्की आनी है बहुत ज्यादा। ये आप देख सकते हैं ये यहां तक आपकी आ गई है, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी। आप चाहो ये लाइन डॉटेड भी लगा सकते हैं, पर ये जो लाइन है ये दी हुई है हमारे पास AD, तो AD हमने हल्की लगाई है, तो ये लाइन भी आपकी हल्की चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं आपका प्रश्न होगा। और अगर ये आप चाहो तो डॉटेड भी लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, C और E को भी आपस में मिला देना है
अब आप देख सकते हैं ये आपके पास वर्ग की दो भुजाएं आ गई हैं। तो हमने प्रकार इतनी खोल रखी है जितने आपका ई सी है या ए ई है, इतनी खोल रखी है। तो यहाँ से हमने नीचे को चाप लगा देनी इस तरह से सी से, और अब हमने जो है वो ए पॉइंट से भी इतनी चाप रख करके यहाँ से इसको ऐसे काट देना है इस तरह से। और जहाँ ये आपस में कटा है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी। आपने क्या करना है ए से बी को मिला दो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ही मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आपने इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है वीडियो को, और ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ जैसे नाम दिया है आपका एल, यहाँ दिया हुआ है एच, ये जो 60 डिग्री की चाप है और 120 डिग्री की चाप है, चाहो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर है 30, ये आपका बन के तैयार हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में मैक्सिमम ही पूछा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31। एक आयत बनाओ जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी डी है। तो हमने एक आयत बनानी है, अभी तक हम वर्ग बना रहे थे, चतुर्भुज बना रहे थे, हम बनाएंगे आयत। तो आयत की मैं परिभाषा आपको बता दूं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, एक हमें भुजा दी है ए बी, तो हम एक भुजा ले लेते हैं ए बी इस तरह से ए और बी, एक हमें भुजा दे रखी है ए सी, तो हम एक भुजा ले लेते हैं ए सी, ये हम ले लेते हैं ए सी। हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारी आयत होती है वो होती है 90 डिग्री पे, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो जितना हमें ए बी दे रखा है, ये हमारे को एक दी हुई है रेखा ए बी, तो इतने प्रकार खोल के हमने यहाँ पे एक ए बी रेखा लेनी है इस तरह से। तो जितनी हमें ए बी दी हुई है उतनी हमने ए बी ले ली है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ हम नाम दे देते हैं ए और बी। जो दी हुई हमें चीज़ होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होती है, और जो हमने फिर कार्य करना होता है उसमें हम ब्लॉक लेटर लिखते हैं, बड़े अक्षरों से हम लिखते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी दोनों सिरों पे हमने 90 डिग्री कोण बनाने हैं। तो हम पहले बी पे बना रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से, हमने ये कोण बना दिया है 90 डिग्री का बी पर। हम इसी तरह से ए पॉइंट पर भी हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री के दोनों कोण हमारे बन चुके हैं। अब हम इसमें लाइन लगा देंगे, अभी हम इसमें हल्की लाइन लगाएंगे क्योंकि लाइन हमारी डार्क आनी है, तो हम अभी हल्की लगाएंगे। जो हमारे को एसी रेखा दी हुई है उसके बराबर हमने यहाँ पे ये लाइनें लगानी है, तो हमने हल्की लगाई है, डॉटेड भी नहीं लगाई है। और अब हम यहाँ से एसी रेखा को नाप लेते हैं, ये आप देखिए, यहाँ से हम इसको काट देते हैं, बिल्कुल यहीं पर कट रहा है जहाँ पर हमारे चापे आपस में कट रही थी 90 डिग्री वाली। तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये हमने नाप के तो नहीं ली थी इसलिए। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको अच्छे से मिला देना है डार्क लाइन से, और अब हम इन रेखाओं को भी डार्क कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है और ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब हम ए बी रेखा को भी थोड़ा डार्क कर सकते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इसको यहाँ से मिटा देना है क्योंकि इस रेखा का हमें कोई काम नहीं है इस तरह। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका है 31।
और ये हमारा बनके तैयार।